व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क प्रोटेक्ट से फास्ट एंड सिक्योर एप्लीकेशन के बारे में। अब दोस्तों, बहुत से लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन इनको यूज करने का प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस एप्लीकेशन को किस लिए डाउनलोड किया है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि आगे की जानकारी मैं अच्छे से आपको दे सकूं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन का रेटिंग पॉइंट 4.3 है और इसको 50,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अब ये एप्लीकेशन बहुत से लोग डाउन तो कर रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं होता है कि इससे क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए, इस एप्लीकेशन के बारे में यही हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल एंड तक के देखना वीडियो को, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ सके। दोस्तों, जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगी। सिंपल सा एडवर्टाइजिंग को ऊपर की साइड से हटा देना है। एडवर्टाइजिंग को हटाने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्ट हिडन डेंजरस इन द नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन इमीडिएटली। तो हमको यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली ऊपर के हिस्से पर कहीं पर भी क्लिक कर देना, ना कि कैंसिल और ना कि शोर पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, सेम प्रॉब्लम सभी के साथ आती है कि डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज नहीं करना है। आपको सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर यहाँ क्लिक करने के बाद में देखोगे कि आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, तो आप चाहो तो उसको ओके भी कर सकते हो। वरना फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको ऊपर की साइड। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन मिलेगा, अबाउट, फीडबैक और प्राइवेसी। ये तीनों को नहीं चढ़ना दोस्तों। आपको सिंपली अब करना है यहाँ पे यूएस पे क्लिक, और उसके बाद में आप देख सकते हो कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, तो उसके लिए आपको ओके कर देना है। तो यहाँ मैंने ओके कर दिया दोस्तों। जैसे ओके किया दोस्तों, तो अलग अलग आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा अलग अलग कंट्री के साथ। यहाँ पे नंबर वाइज है तो हमको किसी भी नंबर को चूज कर लेना, तो मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ हमको नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की दोस्तों, यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड आपको दोनों देखने के लिए मिलती है। साथ साथ इस एप्लीकेशन को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये एप्लीकेशन गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो ना, क्योंकि मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगा, ताकि आप आसानी से समझ सको कि एप्लीकेशन वो चीज में काम आएगा भी या नहीं। दोस्तों, बिना इस वीडियो में इतना ही। वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिल सके।